तो वास्तव रस भी अपने में कोई
সম্বন্ধে গ্রহে যাতে সেই স্বরূপ যেটা ধর আছে ওই সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তব অপরে গরিমাময় इसलिए माता यशोदा का अवतार वास्तव प्रेम जिस प्रेम के सामने भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म होकर गोपाल जाते थे उसका स्थान मिला है। मथुरा में उन्होंने देवकी वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप प्रकट करके दर्शन कराए। देवकी ने साधक होकर प्रणाम कर लिया, हाथ जोड़ लिया, चक्रधारी को कौन दूध पिलाएगा? इसके देवकी मैया ने दूध पिलाया नहीं। भगवान कृष्ण बोले, आपने पाया मनुष्य लीला करने के लिए, मानव लीला में भी चक्रधारी बन गया, मुझे दूध पिलाएंगे और तो रुक गया था। भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, जहां प्रेम मिलेगा वहीं पर पहुंचेंगे। तो अब देवकी के अंदर ऐश्वर्य भाव आने के कारण संभ्रम संकोच भाव के कारण दूध नहीं पिला पाए, हाथ जोड़कर स्तुति प्रार्थना करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माने हे पितर, मैंने अपना सर्वज दर्शन कराया कि केवल पूर्व जन्म का स्मरण दिलाने के लिए, क्यों कि पहले जन्म में आपने बहुत लंबी साधना की। मैं उस समय दर्शन देने के लिए आया, इसी चतुर्भुज रूप में शंकर चक्र गदा पर मलिन करके इसी स्वरूप में आपने मेरे इस स्वरूप का दर्शन किया, दूसरे स्वरूप का पता ही नहीं, इसलिए मैंने इसी स्वरूप में ही प्रकट होकर के आपको दर्शन दे रहा दिया। न तथा पर हम क्या पंत के न जाए थे, मैं छोटा बालक बन करके आ जाऊ, मुझे तो बोले कि अच्छा मैं छोटा पालक बन जाता हूँ, मुझे गोकुल में रख के आइए। तो ये बात है, देखते देखते भगवान कृष्ण भी प्राणी का शिशु बहु पर छोटे से बालक बन गए। छोटे बालक बनने पर भी एक और माधुरी जब आता है तो उसके और गर्व है संभ्रम संकोच, इसलिए हो नहीं पाया। तो भगवान कृष्ण गए था यदि वहां कोई प्रेम करने वाले मिल जाए, कुछ खिलाए पिलाए लाल प्यार करे, तो मैं उनके अधिक बच्चा होगा, मैं अपने को भेज दुनिया की खातिर करेंगे। दुनिया यदि कह रहे अरे भैया कृष्ण तो देवजी नंदन है, अरे दशदा नंदन नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है। जन्म दिया तो नाम कराइए, शिशु व्यक्ति ने कि नहीं नहीं अरे पेट कोख से जसोदा जी के कोख से भी जन्म लिया है, नहीं तो बच्चे का नाम कैसे करेंगे। इसके जान तक वो संस्कार हुआ है, यही उसका प्रमाण है। उद्धव जी जान करो, अक्रूर जी जान करके बोलने लगे, अरे कृष्ण के जन्म के समय आप लोगों ने देखा है क्या बालक हुआ था या बालिका होगी? बड़े चक्कर में डाला था तो बाबा जी सुना मार, बड़े 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 प्रश्न करने लगे, अरे प्रश्न में क्रिया में कोई पुरुष प्रवेश कर सकता है क्या?
जवाब को नहीं जाओ, हमें नहीं बोलना है, हमारा दादा चलो ये सारी बातें थी। पर सुनदेव जी ने कहा नहीं नहीं, लाल कटा गया जा चलो संस्कार बनाए, इसलिए मानना ही पड़ेगा। जब सुना दादा चलो मानो चाहे मैं तो प्रेम सबसे अधिक किसका है, जसोदा मैया का, जिस जसोदा मैया का भगवान ने दूध पिया और मेरी माता ने दूध पिया, परंतु ब्रजवासी माता है यहां संत प्रतिमुनि ये कह रहे हैं जितने भी साधक साधक हैं कृष्ण को पालो पाल रूप में पाना चाहते हैं, वास्तव भाव से साधना की, तो भगवान ने उन्हें कैसे होता है, वे कैसे होता है उनको वास्तव रस के द्वारा तो अपनाए, वास्तव रस सभी प्रकट होगा जब देना है हो कृष्ण पालो पाल रूप में ब्रजवासियों के घर घर पहुंच जाते हैं, मक्खन चुराते हैं, लूटते हैं, लुटाते हैं, पटकी फोड़ते हैं, नहीं तो कैसे कहते हैं तुम्हारे घर का मक्खन अच्छा नहीं है, शायद खट्टा होकर किसी काम का नहीं, तो बटन पड़ गया किसी ने मक्खन नहीं लगता अच्छा, मैं आऊंगा घर का हाल लगा दूंगा। कोई कहने लगता है ये कन्हैया तुम चोर बन गया, चोरी करता है, अरे मैं चोर हूं क्या, अरे मैं नंद महाराज जी का पुत्र हूं ना, तुम्हारा मैं चोर हूं, ये घर तो मेरा घर है, तुम्हारे घर थोड़ी चोर तो तुम ही है, मैं नहीं, घर तो मेरा भाव में इसके उनसे होता है।
जो भक्ति भाव से उनके अंतर में चलते हैं उनको सभी कुछ मिल जाता है। भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए या तो माता यशोदा के अनुरक्षण में जाए या तो पंडितों के उनके राजधानी के अनुरक्षण करके जाए। ये जो करो मुझे तो भी अपनी नहीं, सबको भगवान ने उठा के जाने वाले जा, मैं तो जा रहा क्यों? ये जो करो मुझे तो भी आप सबको बताएं क्या है बंद करके आगे कृष्ण से नाचने लगी गाने लगी और अपने आदत में भरपूर हो गए। बस पुराने की कामना तो तुझे किया ही है और वो तो उसकी पात्री बनना चाहती है, बोले ऐसे थोड़ी होगा। जब तक राजा जी का अनुग्रह नहीं होगा, उनके भाव के द्वारा विचिंतित नहीं होगा, तो उनसे मुझको कोई नहीं पा सकता। तो उसने उनका निकाल दी अब मनुष्य होकर तब रोटियां देती रही, तड़पती रही, ढूंढती रही, उन्हें पता ही नहीं चला। जब तक राजा जी का अनुग्रह न हो अनुसरण नहीं करें तो वत्सल भाव की प्राप्ति कैसे हो, कृष्ण उनकी सेवा कैसे करें, ग्रहण करें। जितने ब्रज की माताएं हैं सब घर छोड़ के जाती है माता यशोदा के पास, उसकी जैसे सेवा की भावना लालसा वैसे माताओं की भावना। इसलिए उनकी प्रेम में सेवा को ग्रहण करने के लिए वे तो घर घर पहुंच जाते हैं तरह तरह के लीलाएं करते। इन लीलाओं के द्वारा भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, प्रभुभूमि को आनंदित कर दिया। यहाँ के स्वरूप में कैसे स्वरूप में इतने त्रिक सविला भी रानंद कुंडे इन सभी लीलाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण जो कि उनके रस्ते के बंधन को खोलने वाला कोई नहीं हुआ। गुरु जी कहते हैं वास्तव रस का बंधन सख रस्ते द्वारा खोल नहीं सकता। प्रेम का शुद्ध बंधन जहाँ राजधानी भी तो खड़ी थी वहां और गोपियां छोटियों की बच्चिया भी छोटी बच्चों के साथ में जबकि राजधानी के अंदर नहीं है इसलिए हम प्रेम प्रतिभाव मनाया कि कन्हैया को भूल जाता है। इसलिए वो मक्खन खा जाता है, मक्खन खाने से मैया बिगड़ गई, इसलिए मक्खन नहीं चुराएगा ना ही लग जाएगा ना बुला जाएगा और ना ही माजे सुधारा नहीं। तब से राधा जी का कृष्ण के प्रति ये स्नेह प्रति मोह है। ऐसी ऐसी लीलाओं के द्वारा वहां राधा जी चाहती तो श्री लालन में खोल भी सकती थी, पर न खोले नहीं, नहीं खोले नहीं थे। परीक्षा लेने आई थी परंतु प्रेम देवी वो कुछ नहीं कर सकी, हार गई। ऐश्वर्य देवी तो पहले भर चुकी माता यशोदा के प्रेम के सामने बर्बाद होना पड़ा, झुकना पड़ा राम जी ने। किनारे पर बड़ा बड़ा पेड़ है, कौन सा राज्य होगा
करके, और ये छोटा बड़ा नहीं है, एक एक वृक्ष जो है 36,000 वर्षों पुराना वृक्ष, इतना बड़ा वृक्ष। तो अर्जुन का पेड़ है, इमली का होगा तो कम से कम अंदर में खोखला बन जाता है, और अगर पेड़ों में भी खोखला बन जाता है तो ये तो ऐसा नहीं एकदम ठोस से। जिसने पुतला तुम्हारा, यही
जिस दिन सेप्टेंबर शुरू होगा यही तो त्रिनाली है, जिस दिन त्रिनाली शुरू है वही ब्रजराज कुमार नंदनंदन श्री कृष्ण जाते नहीं वही है। इंद्र ने जाकर के दौड़ गया, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के बोले भैया चलो ऐसा चलेंगे आप ले कर ये और पूरी कर लेंगे एक घर से जैसे पूर्ण करके बच्चे सब करता हम लोग भी पूर्ण कर लेंगे बच्चों के तो ऐसे ही बोले चलो चलते हैं। और क्या गोपिया कुंज के अंदर बैठे रहती जहां राधा की पुष्पों का हार भूल करके बैठी कृष्ण को कुंज में बैठा कर उनको विविध प्रकार के फूल मालाओं से सजाती है पहनाती है और उन मिट्टी पसीने से जो हल्का इत्यादि मिट गया भैया ने जो बना दिया था यह हल्का इत्यादि अंगराग मिट गया है। राधा जी भीम से अंगराग करती है कृष्ण को हल्का इत्यादि से सजाती उस अनेक सब गोपियां नाचती है कृष्ण के साथ में जाती है कभी कभी राधा कृष्ण की गोद में बैठा करके और फिर सब गोपियां आनंद में हाथ पकड़ करके हाथ खेल करके नाचती गाती रहती है। जैसे गरबा नृत्य होता है गरबा नृत्य होता है ना फिर घर पे तो इस प्रकार तो तरह तरह से नृत्य करती है गोपियां और उसके द्वारा कृष्ण को आनंदित करते गाना भी सुनाया करती। जब गाना गाती है तब कृष्ण भी भेणु हाथ में लेकर के भेणु पालन करते हैं उसके द्वारा गोपियों के मन को धीरे धीरे जुड़ाने लगते हैं। इसी प्रकार राधा जी गोपिया कृष्ण की मन से धनी भेणु धनी सुन करके पुत्र हो जाए फिर वृंदा देवी फल फूल लेकर के आती है और गोपियां सब कुछ खाना तो ले करके गई है कृष्ण को भोजन कराती है। इस प्रकार की जो लीलाएं ऐसे ऐसे लीलाओं के द्वारा कृष्ण को भोजन कराती रहती है और कृष्ण का पाद माला ले जाती है उस तरह से पुण्य में सिवाय ये सभी मध्यान समय की सारी लीलाएं इसलिए सतर्वी केवल एक लीला स्थिर नहीं रहे सभी किसी तरीके से भक्त योगी स्वलीला भी पुरुष की लीला है। उन लीलाओं के द्वारा कृष्ण जो ब्रजगोपियों को ब्रजवासियों को ब्रजजनों का सबका आनंद वर्धन करते हैं और उनकी उनका कृत्य विधान करते हैं उन सभी लीलाओं का स्मरण करते हैं। इस प्रकार मंत्र उपासना से धीरे धीरे स्वामी की उपासना की ओर बढ़ने लगी जहाँ भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं एक साथ में जुड़ी और लीला कथाओं का स्मरण जय आत्मनाथ करो
हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो। ऐसे जो आपके अद्भुत लीलाए इन लीलाओं के लिए आपकी हर चरण कमल की वंदना करते हैं, बार बार वंदना करते हैं। सुनिया वो भी भाव में हारा गया तो वे सब के सब प्रार्थना करती है कि हे प्रभु जबकि आप पुण्य में शयन करते राधा जी के साथ और उनकी जो खास परिचारिका है और उसमें प्रवेश करके सेवा करती है और उस पुण्य के अंदर में मंजरी करती है। दूसरा कभी शयन भी करती है सेवा आदि करने के पश्चात प्रवेश नहीं होता है। इस प्रकार राधा जी की जो शक्तियां है खास परिचारिकाओं के रूप में है जिनको राधा जी ने विशेष रूप से अपनाया उनको जो सौभाग्य दूसरों को दे और ऐसे समय में दूसर मंजरिया जो सेवा करती है फिर वहीं पर आकर बिछा कर सो जाती है उस मंदिर के अंदर दूसरी शक्तियां तो नहीं सकती। राधा के साथ भाव तलाक होने के कारण उन सबको क्या होता है कृष्ण का सेवा शुरू का अंदर अरे कृष्ण मिलन में राधा जी को जो आनंद का अनुभव है वैसे आनंद की अनुभूति पूर्ण व्यक्ति एक मंदिरों को दी है। ऐसे प्रवय काल के जैसे भगवान भी सुशयन करते हैं अपने शक्तियों को अपने में समा लेते हैं सारा कार्य किया तला सभी गुरु सृष्टि आदि सबको समाप्त है बंद और उन्हीं के द्वारा सिद्ध होकर उन्हीं शक्तियों से स्वयं आनंद है। इसलिए भगवान वर्षो वही सुविधात भी कहा है भगवान जो है रस का आस्वादन करते यहाँ भगवान विष्णु को लक्ष्मी की प्रार्थना करती है सरस्वती प्रार्थना करती है तब भगवान जाते हैं यह करिए लक्ष्मी की ओर देखते उनकी इच्छा के अनुरूप सृष्टि जो भी सृष्टि रचना करते हैं तब एक शब्द मनुष्य प्रजाति प्रजाओं को विस्तार करने के लिए भगवान ने माया की और लक्ष्मी देवी की ओर देखा। ये दो कारण समुद्र में हुआ द्वारका में गिरा रहा है द्वारका में भी भगवान श्री कृष्ण जब रानियों के साथ एक एक घर में एक एक लीलाए अद्भुत अद्भुत लीलाए वहां भी जबकि ब्रह्म मुहूर्त में रानियां कृष्ण को छोड़ा नहीं चाहती और कृष्ण को जान जाते हैं वहां भी पंछियों की आवाज को सुनकर कृष्ण भी जागरूक हो जाते हैं रानियों के मन में इच्छा नहीं होती और यहाँ ब्रज में राधा कृष्ण के भी मन में जो लीलाए हैं यहाँ मध्यम सखियां सब जागरूक हैं विचार करके राधा कृष्ण का प्रबोधन कराती है। जैसे हम सभी लोग मंगलारती में पहुंचते हैं है ना मंगलारती का दर्शन करते पुण्य में राधा कृष्ण को जगाते हैं और मंगलारती की जाती है दिशा मंत्र भी भजन कहने वाले भक्तों के यदि हम चाहे सबके लिए हम मंगल आरती का दर्शन नहीं करें है ना तो हमारा मंगल कैसे होगा। सभी को मंगल आरती का दर्शन करना चाहिए सभी भक्तों को यह अनिवार्य है तब साधन भजन में नियम भी सुसंगठित होगा तो मंगल आरती में सब
ये मंडल आरती हमारी नहीं, ये भगवान की मंडल आरती जो है। अरे तुम तो सात लोग कर रहे हैं और कोई आए ही नहीं, कोई घंटी बजाने वाले नहीं है। एक समय एक मंदिर में पहुंच गया तो देखा भाई दोपहर का आरती हो रही है, एक माता की मंदिर में आरती कर रही है, एक गोरी लड़की आई वो आकर के जसोमती मंदिर कीर्तन कर रही है। उस मंदिर में देखा कि मंदिर से बाहर देखा कि वह सैकड़ों साधु है, सब घूम रहे कोई नहीं। अब अचानक उस मंदिर में पहुंचे, वहां जाकर मैं और मेरे मोहन था तो बोले कृष्ण उसके साथ हम दोनों कीर्तन करने लगे। फिर हमने तीसरे दिन इसके आते दिन तक चौथे दिन भी देखा ही नहीं। जब हम लोगों ने कीर्तन करके जाए कि अभी जाकर के बाहर रेस्टोरेंट में उनके मोहन प्रसाद लेना था तो चलो रेस्टोरेंट में गया तो प्रसाद दिया ले करके मैं हम लोग चले गए। तो बात ऐसी हुई देखा कि सैकड़ों लोग चले बाहर में दरवाजे से बाहर और मंदिर में कोई नहीं है। मंदिर में मंगल आरती हो रही है, मंगल आरती जब हम नहीं बोले आरोग्य प्रभात में तो हमारे साधन भजन की प्रगति कहाँ होगी। परमात्मा आना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। गुरु जी कहते हैं यदि मंगल आरती का दर्शन नहीं किया मंगल में नहीं आए फिर मन कोई मंगल होने का नहीं है। तो इसलिए मंगल आरती में अवश्य आना चाहिए, प्रणाम करके जाए उनके कृपा दृष्टि। अरे हम तो उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे परंतु वेद जानकर दिए गए जैसे देख रहे हैं हमारे ऊपर उनकी दृष्टि पड़ जाएगी प्रणाम करके निकल जाए। तो इसलिए गुरु जी ने मंगल आरती का कीर्तन जो लिखा है मंगल श्री गुरु गोविंद मंगल जो की उस पुण्य में राधा कृष्ण को ले जाने वाली शक्तियां उस शक्तियां राधा कृष्ण को ले जाती है। क्यों राधा कृष्ण नहीं ये वे शक्तियां तो नहीं और भी मयूर सुखाई राधे जप सीतारा मंगल तो इसलिए बोले कि नहीं हमें भी जानना चाहिए और ऐसे स्थिति में उस भाव में तो आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं श्रुतियां वर्णन कर रही है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण को रसमय शरण कर रहे हैं उन रसमय लीला में भी जिस रस का पान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण फिर भी वे प्रार्थना कर रहे हैं जो प्राण जैसे राधा जी के साथ में विराजमान है ऐसे राधा कृष्ण के पराया सखिया जो मुख्य वे समस्त सखिया मंजरिया यथा क्रम से प्रबोधन करती है राधा कृष्ण को जगाती रहती है। वीरों में भी कौन कौन है जैसे उस दिन बताया गया था चंद्रकांत ज्ञानी दे रहे प्रकाश चंद्र चंद्र कांति रूपा परम रत्न सिलाया राधा अनुग्रह वो भी रूपहीन प्रजे प्रकटिका कि राधा जी की अनुग्रह राधा जी का अनुग्रह प्राप्त होकर चंद्र कांति जैसे और देनिया ब्रज में कोटि बन कर दिया ये सब प्रकार की गोपियां अपने अपने भाव के अनुसार राधा कृष्ण को जगाती हुई और उनको प्रबोधन करती है उनकी प्रार्थना करती है। इस प्रकार वे कैसे भगवान की प्रार्थना करती है इन सब का वर्णन
और वैष्णव कथाएं वर्णन करते हैं। वही रूप सारी पखटी और मुर्गा जैसे जगाते हैं वैसे गोपियां भी प्रार्थना करती है। ये मंगल गिद्धि मंगलाचरणी जो मंगलाष्टमी कीर्तन भी ये मंगल गिद्धि के रूप में हम लोग काम करते हैं। नारायण कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उनको जागरण कराते हैं, उनके लीला विला
One time in Sri Narayana, he was moving in the forest and he came to some criminals. So in that ashram was one pakshi, one parrot. And that parrot was shouting, kill him, chop him, beat him, rub him, and many other inappropriate language. So Narayana opened the cage and that bird flew away. A few months later, Narayana came and there was one ashram of sadhus and he saw the same bird sitting in the cage. Can I serve you? And Narayana was astonished, this is the same bird. And he asked the sadhus, what happened? And the sadhus said, Maharaj, when that bird came first, every second word he was swearing. This, that, bad language. He said, no, no, don't say that, Haribol, Gadira. Then gradually he was dead. So Sangha was blasted, Urka, he also became fortunate. Therefore, Madhya started performing the function of Guru Sri Dhanam, Krishna. Like when the spiritual master gives us initiation, he also, he gives us that road to bind Krishna. Shri Gopala used to say, when Guru gives you mantra, this is a rope. Take this rope and bind it. Maharaj was saying, not just one rope, double. So by that mantra, but really, we cannot bind Krishna by our own power. But that mantra which is given by Guru, Guru's prayer is binding Krishna. So we can repay the debt to the spiritual master. So Madhya Sada Sitaram one, and Maharaj binding Sitaram one piece of a rope to the Pulaka, and the other one she went to bind Krishna, but she's thinking, I will try to not behind Krishna. Because if not is here, then Krishna cannot do it. Therefore she went to tie the knot behind Krishna. But astonishingly, even though Krishna's waist is only 12 inches in diameter, circumference, very thin waist, baby Krishna only 2 or 3 years old. An astonishing thing, Madhya Yashoda, when she went to tie the ends of the rope together, it was 2 fingers too short. Then Madhya Yashoda became astonished. She called the sakis, bring another rope. They brought another rope. Madhya Yashoda joined that rope to that side. And when she went to bind the 2 ends together, also 2 fingers too short. Then Madhya Yashoda said, bring another rope. The sakis brought all the ropes in Gokul, and Madhya Yashoda joining, but 2 fingers too short. Why is Krishna thinking, this morning I have no time to be down. I have many, many important things to do. I have to go to Steel Butter, Steel Rookie for me, Steel Butter, I have to break this part, I have to go here, play with my friends. If I am down by your sword, my leader will be finished. Then Krishna did not desire to be bound, therefore he is Aishwarya Shakti. Even though Radha has 16 qualities, we're just speaking of the Shakti's of Swami Bhagavan, Sattva Shakti, Mahamasi Krishna. Then Krishna is Aishwarya Shakti, understood the desire of his Prabhu, or Guru, or you will not bind my Lord. Therefore Madhya stood again and again, but she could not bind him. Therefore the sun was lighting and all, rising and all the sakis were laughing. Oh, your son, it is not written on the forehead of your son that today you will bind. And you sort of did not listen. I must bind him. This is my responsibility. Therefore, if I do not bind him, I will be defamed. Therefore, she prayed to Mahan Narayan. Oh, Narayan, please, I pray to you, I may not bind my son. Then Parisaman Drishta Krishna Kriyashtu Phram. Then seeing her Parisaman, her heart in terror. Krishna's heart melted and Kriyashtu Phram. Krishna allowed himself to be bound. Then the Guru Maharaj, Sipana Guru, in his commentary, he comments, what are these 2 fingers? Especially in Sri Ramanuja Sampradaya, there are 2 distinct thoughts of devotees. Some who follow the Vedic Shastra, they call Vedakarai, and those who more follow the eternal Shastras, they are Devakarai. So those who follow the Vedic Shastra, the Vedakarai, they think, no, everything is by your own endeavor, by your own sadhana.
By my own efforts, I must find the Lord. Guru Maharaj is also not a complete recipe for success. Sometimes if you think that I am relying on your own endeavor and try to make up, I know so much, I'm so much renounced, I do so much, I know. Then pride will come as an obstacle to devotion. Then when you can do yourself a person, it has to be under the guidance of the Guru of Guru Vaishnava. Otherwise, it cannot be successful. And Guruji always tells one very strong story. In Mathura, there was one brahmachari, he was very, very renounced. He would wake up before anyone. He would go to people and take bath, even in the winter season. And in that very cloth, he would return back to the monk, Hare Krishna, Hare Krishna, 64 rounds. He would do Nijara Pashi. And of course, after some time, he started thinking, there is no more renounced than me. I'm like a second Ramadan Das before. Then he started finding faults in all the Vaishnavas. He even started finding faults in Guru. I think even I wake up before Guru and I go to bed after him. Some time again. Then he started thinking, in his mind, there is no Vaishnava. Oh, I understand we should serve Vrishabhasha. So he left the mind and went on a rickshaw. And he was giving free rickshaw rides to the Vrishabhasha. Guru Vaishnava, we see one group going past the Vrishabhasha. And after some time, he started finding faults in all of his bhajans. They are not doing much with them. And he said, I'll go to Jagannath Puri. That is where Mahaprabhu taught the process of Sarabhati. There was a place for Suruk Dhamma, Jagannath Goswami. So he left with Dharma and went to Puri. Guru Maharaj said, last time he saw him, he had married two wives. And he was going on the beach, and a small fish had fell through the holes of the net. He was picking them up, drying them. And with that haste, he would take his prasad. There's no way of all efforts one needs to become proud. How do you buy my life by your own insignificant to pass your own? Sorry. There's that is part of the better than I believe. Oh, like the baby monkey. The baby monkey catches the mother by his own power. Mother never reaches the mind and catches the mother. And if the baby falls, mother will not go back to the baby. But there's another whole group of Vaishnavas. They believe everything is the mercy of one. But we should not do our own endeavor. They're like Vilinyan, cat logic. The baby kid does not do anything, the mother takes the baby in the mouth and carries it out. Some people believe everything is mercy of one. We tell them. Become vegetarian when Bhagavan wants, when Bhagavan gives mercy. Chaturanga, when Bhagavan gives mercy on Chaturanga, come to Mangalati, when Bhagavan gives mercy on come to Mangalati. But Bhagavan's mercy is always there for every jiva. Like the sun is always there. But the owl is hiding in the cave. Oh, why sun is not coming here? Sun is very bad, sun is partial. Guru giving mercy to all disciples. Not that Guru Dev likes his disciples, does not like his disciples. One time Chaitanya Guru said, the main duty of the spiritual master, he must be equal to all disciples. Some disciples saying, why are you giving gossip? I'm not giving gossip. And he did it before. And he said, he caught the mercy of Guru Dev by precept, then he's giving gossip. Also, Guru is a good man. If I should anyone reconcile both these philosophies, no, both these should be there. Then in his commentary, Guru Maharaj also gives the example like a man in a well. Bajao, bajao, Gurudev, help me. He needs causal mercy to get out of the well. Then Guru throws the rope, catch the rope. I cannot do that, you have to catch it for me. Guru's mercy has his instruction. But you have to do your own effort, you have to catch the rope, you have to follow his instruction. Guru says, I am not carrying you on the door of Vrindavan. You have to walk yourself. Guru says, I cannot turn the holy name for you. You have to turn the holy name. You have to do your mantra. You have to do your, I cannot do that for you. Therefore, Guru gives his mercy to follow his instruction. And how the disciple catch his mercy by following his instructions? Very simple. Shri Gaurabhai used to explain often. Who gets the mercy of the spiritual master? That person fulfills his instructions completely.
without changing anything. Chris said to me, I'm not a pregnant, but I won't be pregnant. I'll stand in my room, I'll do my own second program, and I can get a nasi guru, because when I speak about it, I won't be pregnant. And when Chaitanya Mahaprabhu was there, in Jagannath Puri, then one disciple of Islam, Puri Path came, Govinda. Then Govinda, he started to be a Mahaprabhu, my spiritual master has already to serve you. Mahaprabhu thought, what can I do, because the seva of the spiritual master, the disciple of the spiritual master is also questionable. The Guru has given an instruction that I should accept his service, what should I do? So Mahaprabhu asked the Sarvabhu Bhattacharya, what should I do in such a situation? And Sarvabhu Bhattacharya said, Guru, I the answer. The order of the spiritual master can never be deliberated on, it must be followed as it is. And Sarvabhu Bhattacharya gave two examples. One Ramchandra, one is Parashura. When Parashura, Lord Ram was called in the morning, next, this morning you will be made king of Ayodhya. All of the after Mary was ready for the Abhishek, Lord Ram. Lord Ram came, then Dasharatha said, yes, order is, your younger brother Bharat will be king and you will go to the forest for 14 years. Then Lord Ram made it happy. Lord Ramana became disturbed. That's when Lakshman became then, oh, the man, the Shastra says a man who is controlled by a woman has no intelligence, he has no, does not rise, has no right to be king, he is mad, therefore by force we will capture Dasharatha and I will make him king. Oh brother, you just give the order. And Ramana says, no. We came across the order of the spiritual master. Therefore, very happy. Ram went in the forest to get an example of how to follow the order of the spiritual master. The second example he gave is Parashuram. Parashuram's wife, Parashuram's father, Jagannathi, was performing the yajna.